बाइडन हो, सुनेक हो, मैक्रों हो, सब फारग हो रहे हैं। और वाह, यूके की मैंने ओके, तो बताइए, बहुत और यूके की मेजर। मुझे बड़ी, मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही गंदी गवर्नमेंट थी और एक रेसिस्ट और फैशिस्ट गवर्नमेंट जो ये थी। जस्ट आपने बर्तानिया का जिक्र किया, वेदर लेबर हो कंजर्वेटिव हो, ये उनकी कंटिन्यूटी पॉलिसी होती है। अगर आपको याद हो ओबामा आया सिर्फ उसका रंग दूसरा था, नहीं जी अब तो पाकिस्तान की फेवर करेगा। एक बड़ा चेंज यूके के इलेक्शंस के बाद सामने आया है जिसमें ऋषि सुनक को डिफीट हुई और जो नया उनका प्राइम मिनिस्टर आ रहा है के जो स्टार्मर हैं वो प्रो इंडिया कहे जाते हैं। इसकी वजह यह है कि उन्होंने जर्मी कॉर्बन लेबर पार्टी के थे, वो कश्मीर के बहुत ज्यादा हामी थे और हमेशा इंडिया पर मुझे अटैक करते थे, लेकिन लेबर पार्टी ने उनको एक्सपेल कर दिया है। और दूसरा केयर स्टार्मर है, अपने इलेक्शन के आखिरी हफ्ते में वो एक हिंदू टेम्पल में गए और वहां पे उन्होंने जाके भारतीय अपने वोटर्स और भारत के साथ अपने रिलेशनशिप का की गारंटी दी उन्होंने। जय स्वामी नारायण। इसके साथ साथ एक और बात यह कि खालिस्तान के हवाले से भी इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने, तो इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपीएन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया पर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, जहां पे चुनाव के नतीजे में जो मौजूदा ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनाक थे उनकी हार हुई और अब ब्रिटेन के नए पीएम कीर स्टार्मर, जिनकी पार्टी लेबर पार्टी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर। और उससे पहले तो पाकिस्तानी मीडिया का एक सेक्शन बहुत ही ज़्यादा खुश है कि ऋषि सुनाक, जो कि भारतीय मूल के ऐसे पहले एशियन ब्रिटेन के पीएम बने थे, उनके जाने से पाकिस्तानी इसलिए भी खुश हैं कि ऋषि सुनक अपने आप को प्राउडली सनातनी बोलते थे। लेकिन बात करें भारत और ब्रिटेन के रिश्ते को, तो बताया यही जा रहा है कि भारत के लिए जो ब्रिटेन के नए पीएम हैं कीर स्टार्मर, वो शायद ऋषि सुनक से भी ज़्यादा अच्छे साबित हों, क्योंकि जो लेबर पार्टी का जो स्टांस था इंडिया को लेकर के पहले, उसमें कीर स्टार्मर ने काफ़ी चेंजेज लाए हैं। और ख़ासतौर से इंडिया को जो ब्रिटेन से शिकायत होती है, चाहे वो कश्मीर का मसला हो या फिर खालिस्तानी का मसला हो, उस पर कीर स्टार्मर ने बहुत ही पॉजिटिव संकेत दिए हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, एक बड़ा चेंज यूके के इलेक्शंस के बाद सामने आया है जिसमें लेबर पार्टी ने विन किया है और ऋषि सुनक की तरफ से कहा गया है कि वो अपनी इस डिफीट को एक्सेप्ट करते हैं और उन्होंने उनके ओपोनेंट जो के ये इलेक्शन जीते हैं और जो लेबर पार्टी को लीड कर रहे थे कीर स्टार्मर को, कहा जाता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नजर आएंगे, लेकिन उनका बैकग्राउंड एक बहुत ही डाउन टू अर्थ फैमिली से है। वो खुद कहते हैं कि उनकी मदर नर्स और उनके फादर टूल मेकर थे। कीर स्टार्मर के बारे में ये कहा जाता है, कहा क्या जाता है ये सही है और सच है कि उनको सर कहा जाता है, सर स्टार्मर, और उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो एक बैरिस्टर हैं, वो बादशाहत को पसंद नहीं करते, फार राइट कहे जाते हैं, सोशलिज्म की पार्टी जो है वो ये नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए कि सोशलिज्म की पार्टी के खिलाफ इस पार्टी ने जाकर जीता है ये इलेक्शन। तो क्या मिस्टर स्टार्मर, सर स्टार्मर, इंडिया के लिए कैसी पॉलिसी बनाएंगे? तो मैं आपके लिए ये रिवील कर रही हूं, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टार्मर हैं वो प्रो इंडिया कहे जाते हैं। अब प्रो इंडिया कहे जाते हैं या उनकी जो सोच है वो प्रो इंडियन है, इसकी वजह यह है कि उन्होंने यूके के अंदर जो हिंदू फोबिया है उसके खिलाफ बात की और ना सिर्फ इंडियंस को सपोर्ट किया बल्कि हिंदुइज्म को भी उन्होंने वहां पर सपोर्ट किया है। इसके साथ साथ एक और बात यह कि खालिस्तान के हवाले से भी जब कई जगहों पर ऐसी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं जिन स्टेटमेंट्स के मुताबिक कहा जाता है कि ये इंडिया की सपोर्ट किया उन्होंने। तो कीर स्टार्मर कि एक और चीज भी मैं आपको ये बताऊं, मिस्टर स्टार्मर के दौर में ही इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। कहा जा रही है बात कि वो पहले से ही ये तय कर चुके हैं और ये समझते हैं कि इस एग्रीमेंट को इंडिया और यूके के बीच होना चाहिए। तो इस वक्त यूके की जो सिचुएशन है वो इंडिया के लिए विन विन सिचुएशन है। चीज चीमा साहब, जो नई हुई है लंदन के हवाले से, हिस्ट्री ये बनी है
कि वहां पे 650 सीटों में से 321 सीटें पहली दफा लेबर पार्टी ने ली है, उसमें से 650 सीटें थी, टोटल 412 उसमें ली है, और कंजर्वेटिव जो है उन्होंने 121 ली है टोरी पार्टी ने। 26 से 29 भारतीय आए हैं, 4 पाकिस्तानी आए हैं, पहली दफा 87 एथनिक मेंबर हैं वो आए हैं। मैं ये यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा, चेंजेस उन्होंने की है, लेबर पार्टी को सेंटर में लाने की कोशिश की है उन्होंने, केयर स्टॉर्मर ने। अब देखें वो कितना अरसा ये चीजें मेंटेन कर पाते। तीसरी उनकी जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि वो EU के साथ, अब वो जाहिर है ब्रेक्सिट को तो अनवाइंड नहीं करने के प्रोग्राम में नहीं है, लेकिन EU के साथ वो कहते हैं हम अपने ट्रेड को बढ़ाएंगे, उनके साथ चलेंगे, फ्री ट्रेड इंडिया के साथ हम जो है वो जो जहां छोड़ा गया था उसी को साथ लेकर आगे चलेंगे। अब जो मैं इसमें आगे भारत के हवाले से कहूंगा कि किस तरीके से उन्होंने सेंटर में लेकर आए हैं सारी चीजें, तो जर्मी कॉर्बन का जो किरदार जो माजी में लेबर पार्टी के थे वो कश्मीर के बहुत ज्यादा हामी थे और हमेशा इंडिया पर मुसलसल ह्यूमन राइट्स के चीजों के हवाले से अटैक करते थे। जर्मी कॉर्बन अपनी सीट इंडिपेंडेंट जीत गए हैं लेकिन लेबर पार्टी ने उनको एक्सपेल कर दिया है। फॉर्मर उनकी एक्सपेल करने में भी उनका किरदार था और सेंटर में लाने का। और दूसरा आखिरी हफ्ते जो केयर स्टॉर्मर है अपने इलेक्शन के आखिरी हफ्ते में वो एक हिंदू टेंपल में गए और वहां पे उन्होंने जाके भारतीय अपने वोटर्स और भारत के साथ अपने रिलेशनशिप का की गारंटी दी उन्होंने और इसी तरीके से वापस वो आगे चले। और मैं समझता हूँ और होली और दिवाली में भी उन्होंने पार्टिसिपेट करके उन्होंने अपने आप को सेंटर में लाने की कोशिश की है। माजी के अंदर दो चीजें जो भारत को एतराज था इंग्लैंड के ऊपर, लंदन के ऊपर, कि कश्मीर और खालिस्तान पे उनका स्टैंड जो था वो भारत के साथ अलाइंड नहीं था। मेरे ख्याल में ये जो स्टॉर्मर है ये चीजों को इम्प्रूव करने की ख्वाहिश रखते हैं, अब कर पाते हैं नहीं पाते हैं। अपहिल बैटल फॉर नॉट ओनली यूके, अपहिल बैटल फॉर द एंटायर यूरोप, मैटर ऑफ फैक्ट इकॉनमी स्ट्रगलिंग। पहली दफा हो रहा है कि इतने इलेक्शंस जो हो रहे हैं वेस्ट और ईस्ट में एक चीज मुश्तरका है जो मुझे नजर आ रही है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट वेव आ रही है। बाइडन हो, सुनेक हो, मैक्रों हो, सब फारग हो रहे हैं। ये वेस्ट में हुआ है और हमारे यहाँ भी आप पाकिस्तान से शुरू करें कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वेव आई है। इंडिया की जो एस्टेब्लिशमेंट पार्टी थी वो इलेक्शन हार गई। प्रेडिक्शन क्या थी उनकी थी 400 सीटें 240 आई। बिल्कुल। और यूके की मैंने बताई और यूके की मुझे बड़ी मैं मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि वो बहुत ही गंदी गवर्नमेंट थी और एक रेसिस्ट और फैसिस्ट गवर्नमेंट थी। तो ये दुनिया में जो तब्दीली आ रही है हमें उसको नोटिस लेना चाहिए।